बच्चों, आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उत्साह अट नहीं रही है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला जी द्वारा रचित है। और कवि इस कविता में बादलों का आह्वान करते हैं, यानी कि उन्हें बुलाते हैं। हिंदी साहित्य जगत में महाप्राण निराला नाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला जी का जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव गढ़ाकोला के निवासी थे। वे तत्कालीन महिषादल रियासत में कोषाध्यक्ष थे। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनकी अधिकांश शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी आदि में रचित साहित्य का गहन अध्ययन किया। पारिवारिक उत्तरदायित्वों को वहन करते हुए इन्होंने महिषादल रियासत में नौकरी आरंभ की, किंतु कुछ कारणों से त्यागपत्र देकर वहां से चले गए। कुछ समय तक वे रामकृष्ण मिशन कलकत्ता के पत्र समन्वय का संपादन करते रहे। बाद में इन्होंने मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया। निराला जी संगीत प्रेमी थे और अतिथ्य सत्कार करने में वे अत्यंत संतोष का अनुभव करते थे। वे विद्रोही प्रवृत्ति तथा पुरातन में नवीनता का समावेश करने वाले साहित्यकार थे। निराला जी अत्यंत उदार, स्वाभिमानी, अध्ययनशील, प्रकृति प्रेमी तथा त्यागी व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी। सबसे मुख्य बात यह थी कि इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, अणिमा, बेला, अप्सरा, अलका, चतुरी चमार आदि। और 15 अगस्त सन 1961 ईस्वी में निराला जी की मृत्यु हो गई थी। चलिए बच्चों, अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। उत्साह कविता जो है एक आह्वान गीत है। जब किसी का हम आह्वान करते हैं यानी कि बुलाते हैं, कवि ने इसे बादलों के माध्यम से प्रकट किया है। नवजीवन और नई कविता के संदर्भों में विचार करते हुए निराला जी ने बादलों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया है। और कवि कहते हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विषव के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो बादल गरजो। इसमें गगन शब्द आया है। गगन का अर्थ होता है आकाश, धाराधर मैंने मूसलाधार यानी कि लगातार, ललित मैंने सुंदर, विद्युत छवि यानी कि बिजली की चमक, उर मैंने हृदय, विकल विकल मैंने व्याकुल, अनमन या उन्मन यानी कि अनमनासा उदास, निदाग गर्मी का ताप, तप्त तप्त मैंने गरम, धरा मैंने धरती और अनंत मैंने आकाश। इस काव्यांश में कवि ने बादलों का आह्वान किया है कि वे पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करें, यानी कि उनकी इच्छाओं को पूरा करें। उन्होंने बादलों को नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी माना है। कवि कहते हैं, बादल गरज बरस कर सारे संसार को नया जीवन देने की
प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि बादल तुम गरजो, हे बादलों तुम गरजो, तुम सारे आकाश को घेर कर मूसलाधार वर्षा कर दो। मूसलाधार मैंने लगातार वर्षा कर दो, घनघोर बरसो। हे बादल तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम्हारा स्वरूप सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है तथा तुम एक अबोध बालक की तरह मधुर कल्पना हो, और एक बालक की कल्पना के समान तुम्हारा पालन पोषण हुआ है। तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा धारण करते हो, तुम नई सृष्टि की रचना करने वाले हो, तुम जल रूपी नया जीवन देने वाले हो, और तुम्हारे भीतर जो है वज्रपात करने की अपार शक्ति समाई हुई है। तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा और जीवन प्रदान कर दो, हे बादल तुम गरजो और सब में नया जीवन भर दो। गर्मी के तेज ताप के कारण धरती के सारे लोग बहुत व्याकुल हैं। जब अधिक गर्मी पड़ती है तो कितने ही परेशान हो जाते हैं लोग। इसलिए कवि ने कहा कि गर्मी के तेज ताप के कारण धरती के सारे लोग बहुत व्याकुल हैं, बेचैन हैं, उदास हो रहे हैं। हे बादल तुम इस सीमाहीन आकाश में, सीमाहीन होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, लिमिट नहीं होती, तुम इस सीमाहीन आकाश में पता नहीं किस ओर से आकर सब तरफ फैल गए हो। तुम इस गर्मी के ताप से तपी हुई धरती को बरसकर शीतलता प्रदान करो। हे बादलों तुम गरजो, तुम बरसो, और तुम बरस बरस कर इस धरती को शीतल कर दो, ठंडा कर दो, और गर्मी से तपे हुए लोगों को शीतलता प्रदान करो। उसके बाद कविता का सेकंड पार्ट है, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अट, अट मैंने होता है प्रविष्ट, आभा चमक, नभ मैंने आकाश, उर मैंने हृदय, मंद मैंने धीमी, पुष्पमाल यानी कि फूलों की माला, पाट पाट यानी जगह जगह, शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर, पट पट मैंने समा नहीं रही। इसमें मुख्यतः कवि ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया। फागुन मैंने जब फरवरी का महीना होता है, और उसमें कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु, और जब बसंत ऋतु आती है तो वातावरण कैसा होता है, मनमोहक होता है, यानी कि प्रकृति जो है प्रकृति में चारों ओर वातावरण बहुत ही सुंदर होता है, फूल ही फूल नज़र आते हैं, और फागुन की सुंदरता का जो रूप है वो उल्लास से भरा हुआ दिखाई देता है। प्रकृति में हर तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य होता है। इसी सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि फागुन की यह सुंदरता शरीर में किसी भी प्रकार से समा नहीं रही, यानी कि इतनी अधिक सौंदर्य, इतनी अधिक सुंदरता है कि किसी भी तरह से यह मेरे शरीर में समा नहीं रही है, और प्रकृति के कण कण से यह सुंदरता फूट रही है। अपने रहस्यवादी भावों को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि हे प्रिय, पता नहीं तुम कहाँ बैठकर अपनी सांस के द्वारा प्रकृति के कोने कोने को सुगंध से भर रहे हो, और तुम मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म देते हो। सब तरफ तुम्हारी ही सुंदरता व्याप्त है, वह अत्यधिक आकर्षक और सुंदर है।
कवि कहता है कि मैं उसकी ओर से अपनी आँख हटाना चाहता हूँ, पर मैं वहाँ से हटा नहीं पा रहा, क्योंकि सुंदरता इतनी अधिक है, मतलब चारों ओर जो प्राकृतिक वातावरण है वो इतना सुंदर है, चारों ओर फूल ही फूल, तो मैं अपनी आँख इस प्राकृतिक छटा से हटा ही नहीं पा रहा। इस सुंदरता में मेरा मन बंद कर सा रह गया है। पेड़ों की सभी डालियाँ पत्तों से पूरी तरह लदी हुई हैं, फूलों से लदी हुई हैं, कहीं तो पत्ते हरे हैं और कहीं कोपलों में लाली छाई है। उनके बीच सुंदर सुगंधित फूल खिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके कंठों में सुगंध से भरे फूलों की मालाएं पड़ी हैं। हे प्रिय, तुम जगह जगह शोभा के वैभव को कूट कूट कर भर रहे हो, पर वह अपनी पुष्पलता के कारण उसमें समा नहीं पा रही, चारों ओर बिखरी पड़ी है। भाव यह है कि प्राकृतिक वातावरण अति सुंदर है। बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है और प्रकृति को एक बालक के रूप की कल्पना दी गई है, बालक वसंत की कल्पना की गई है कि उसे किस एक बच्चे की तरह उसका पालन पोषण कैसे किया गया, और अब प्रकृति जो है अपने यौवन पर है, चारों ओर सुगंधित मनमोहक वातावरण फैला हुआ है।